मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे बजट की इस चर्चा में अपनी ओर से वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। 2-3 घंटे पहले सदन में एक वक्तव्य ऐसा आया जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की ओर कितनी इमारतें बना सकता है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें। उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा। संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए नई बात नहीं है। इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं। इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है तो बजट पर व्यक्ति क्यों ना बोले, लेकिन शायद मंशा यह है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, यह बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अचंभित थी सभापति महोदय जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। और जिस प्रदेश, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस प्रदेश, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं। लेकिन बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा यह बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री यह चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं। हां, बजट पे बोलेंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है।
जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा, मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है, इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट आपको याद होगा, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। माननीय सदस्य इधर। तो आप आसन को, पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, माननीय सदस्य, आप आसन की हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है, दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और सब अगर बजट में चल साइलोज में रखेगा, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं, सर मैं आया ऑप्शन, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए जनता के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए माननीय सदस्य। प्रधान बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर ही मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी,
तीसरा ऑप्शन आदम हत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती, इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। लक्ष्य कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218 सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, चल बैठिए। माइक बंद कर दिया सर आपने। सर आप तो डिस्टर्बेंस कर। खैर इससे होगा क्या, जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ सिर्फ दो लोग, हम और हमारे, हम दो और हमारे दो, इस देश को चलाएंगे।